हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्रता पुष्करा। भाई कल मेरी एक ऐसे ही वीडियो पर नजर पड़ गई। मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो एक मेरी नजर पड़ी पुष्करा के बीटीएस पर। मेकर्स ने इसको एक तरीके से बीटीएस के रूप में शेयर किया है। मैं इसको कहूंगा एक टीजर भी कहा जा सकता है, अनाउंसमेंट कहा जा सकती है, जिसमें फिल्म की कास्ट, फिल्म का क्रू जो है फिल्म के बारे में बता रहा है। यार जब मैंने उनकी बातें सुनी और कुछ कुछ उन्होंने जो फुटेज डाली हुई थी ना, वो देखकर दिमाग हिल गया। मैंने जैसे देखा, उनकी बातें सुनी, मैंने कहा भाई ये फिल्म को अगर सही तरीके से इन्होंने बना दिया ना, तो ये उड़िया फिल्म इंडस्ट्री का नक्शा बदल सकती है, उसकी किस्मत बदल सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं भाई, आगे देखना। देखो जब उन्होंने बोला ना ये पूरी का कोई रिचुअल्स है, मतलब रीति रिवाज है, उसको ही सेम एज ए हमने प्रेजेंट करना है। अब इसके डायरेक्टर के पास, इसके मेकर्स के पास ना सबसे बड़ा चैलेंज ये है, जब आप रिचुअल्स की बात करते हो, अब रीति रिवाज की बात करते हो ना, तो आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, नहीं तो लोगों की भावनाएं जो है ना आहत हो सकती हैं और फिल्म के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर सही तरीके से उस रिचुअल को प्रेजेंट कर दिया, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि नॉवल पर बेस्ड है, तो ये एक और उड़िया इंडस्ट्री की कांतारा साबित हो सकती है। भाई मैं बहुत बड़ी फिल्म के साथ इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ, उसका रीज़न भी यही है। आप इसका बीटीएस देखो, जिस तरीके से वो जो बंदा है वो उसकी ड्रेसअप कर रहा है, उसका मेकअप है, और बंदे की लुक देखो जो लीड रोल निभा रहा है। इसके डायरेक्टर जो है फर्स्ट टाइम कोई फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, पर वो बोल रहे हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाने के लिए। और पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है ना, वो अपने आप में आपके अंदर एक्साइटमेंट जगा देता है। यार मैं अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूं इस फिल्म के टीजर को या बीटीएस को देखकर। क्यों? ऐसी जो फिल्में होती है ना, जो जमीन से जुड़ी होती हैं, जो सिर्फ एक राज्य में ही है, अगर सही तरीके से प्रेजेंट किया गया और अगर ये पैन इंडिया पर आ गई, भाई ये फिल्म फाड़ देगी। आप अभी से लिख लो, ये उड़िया इंडस्ट्री की कांतारा साबित हो सकती है। बट मेकर्स के हाथ में है वो कितने अच्छे तरीके से इस सब्जेक्ट को प्रेजेंट करते हैं। बाकी आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं पुष्करा के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका जब ओरिजिनल टीजर आएगा, प्रॉपर टीजर आएगा, तो आपको मैं रिव्यू जरूर दूंगा। बाकी वीडियो में इतना ही। कुछ अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।